ट्रैकिंग के दौरान जंगल में रहस्यमय ढंग से गायब हुए दो भाई, छोटे की मिली लाश लेकिन दूसरे का नहीं लगा सुराग। राजस्थान के जयपुर में दो सगे भाइयों के रहस्यमय तरीके से लापता होने की गुत्थी पुलिस के लिए अनसुलझी बनी हुई है। नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के दौरान दोनों भाई अचानक भटक गए और जब तक मदद पहुंचती दोनों भाई अचानक गायब हो गए। हालांकि पुलिस को छोटे भाई आशीष की डेथ बॉडी घने जंगलों में मिली है लेकिन बड़े भाई राहुल का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पिछले तीन दिनों से जयपुर पुलिस, SDRF, NDRF, सिविल डिफेंस की टीमें ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से घने जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही है लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। इधर छोटे भाई की मौत कैसे हुई इसको लेकर भी पुलिस के हाथ खाली है। दरअसल बीते रविवार को जयपुर के शास्त्री नगर के रहने वाले राहुल अपने छोटे भाई आशीष के साथ नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करते हुए मंदिर में दर्शन करने गए थे, जहां दोनों भाई रास्ता भटक गए और बिछड़ने के कुछ देर बाद एक भाई ने अपने परिजनों को कॉल करके इसकी इत्तला दी। थोड़ी देर बाद रास्ता मिलने की बात भी कही लेकिन बाद में फिर दोनों भाई लापता हो गए। हालांकि घर वाले देर शाम तक बच्चों का इंतजार करते रहे लेकिन जब दोनों नहीं लौटे तो तुरंत पुलिस को सूचना दी लेकिन पुलिस ने एक बारगी मामले को हल्के में ले लिया। जब लोगों ने पुलिस थाने का घेराव किया तब पुलिस की टीमें पहाड़ी पर सर्च ऑपरेशन में जुटी। इसके बाद SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें भी लाव लश्कर के साथ दोनों युवकों की तलाश में पहाड़ी छान मारी। तब जाकर पुलिस को एक भाई का शव पहाड़ियों में पड़ा मिला जिसके सिर के पीछे गंभीर चोट के निशान हैं। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई यह अभी भी रहस्य बनी हुई है। जिस दिन घटना घटित हुई थी उसी दिन से जो पुलिस जंगल के अंदर नारगढ़ की पहाड़ियों के अंदर तलाशी का अभियान शुरू कर रखा है जिसके अंदर हमारी पुलिस के अलावा SDRF, सिविल डिफेंस, NDRF, वन विभाग के कर्मचारी प्लस हमारे और भी जो स्पेशल विंग हैं उनसे जुड़े हुए कर्मचारी सारे लोग दिन रात तलाश करने में लगे जिनमें एक युवक था उनका शव बरामद हुआ और दूसरे युवक की आज भी हमारी सारी टीमें सुबह से ही और रात में भी जो तलाशी का अभियान था उसको जारी रखे हुए हैं। दर्शन करने की कह के गए थे मंदिर में उन्होंने दर्शन किए उसके बाद में अब वो ऊपर गए हैं। ऊपर जाने के बाद में जैसा कि परिवार वालों को फोन किया है उन्होंने कि वो रास्ता भूल गए। रास्ता भूलने के बाद में दोनों अलग हो गए। अब अलग होने के बाद में उनका जो कॉन्टेक्ट है लगभग 1:30 बजे तक 1 तारीख को ग्रामीणों से संपर्क रहता है और उसके बाद में उनके बारे में कोई इस तरह का जो संपर्क है वो। थाने के बाहर धरने पर बैठे युवकों के पिता सुरेश शर्मा का कहना है रविवार सुबह करीब 7 बजे आशीष और राहुल नाहरगढ़ के चरण मंदिर में दर्शन करने जाने की कहकर घर से निकले थे लेकिन करीब 1 बजे दोनों मंदिर पहुंचने के बजाय रास्ता भटक गए और दोपहर बाद मोबाइल भी नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर हो गया। इसको लेकर पुलिस से मदद मांगी लेकिन मदद नहीं मिली। जब तक पुलिस पहुंचती दोनों गायब हो गए। यही वजह है कि पुलिस की लापरवाही से एक की मौत हो गई और राहुल लापता है जिसका 4 से 5 दिन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं अन्य परिजनों ने शास्त्री नगर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि रविवार दोपहर को ही पुलिस को दोनों लड़कों के लापता होने की जानकारी दी थी लेकिन पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। शाम के समय परिजनों ने थाने पर एकत्रित होकर हंगामा किया तो पुलिस अधिकारी हरकत में आई।